अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। बेहतर अवसर है, आप और थोड़ा सा आगे बढ़िए। अभी 31 मई तक ये स्थगित कर दिया है, 1 जून को हम आपको फिर बताएंगे कि आगे हमको क्या निर्णय लेना, कब आपकी परीक्षाओं की तिथियों को घोषित करना है। लेकिन इतना हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि जब भी आगे परीक्षाएं होंगी, आपको इतना अवसर देंगे, 10 से 15 दिन का कम से कम हम ऐसा अवसर देंगे, जब 15 दिन पहले आपको हम तिथियों की को घोषित करेंगे। आप बहुत मेहनती हैं, आपने अपना पुरुषार्थ दिखाया है, और आपने विषम परिस्थितियों में भी एक योद्धा की तरह अपने परिवार को भी और अपने आप भी लीडरशिप ली है सुरक्षा की। और हमारे जो गृह मंत्रालय के जो निर्देश हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश हैं, दोनों का आप लोगों ने बहुत अच्छे से न केवल पालन किया बल्कि पालन करवाया भी है। हमको गर्व होता है आप सब पर, और इसलिए मैं एक बार फिर शुभकामना देना चाहता हूँ कि आपको जो ये अवसर मिला है, इसमें बहुत अच्छी सी तैयारी करिए, स्थिर तरीके से करिए। आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं, पीछे खड़े हैं। पहले आपकी सुरक्षा है हमारे लिए, आपकी रक्षा पहले है हमारे लिए, और उसके बाद आपका भविष्य संवारने का दूसरा भी महत्वपूर्ण काम है। और इसलिए आपने भी बहुत अच्छे तरीके से किया, जेईई की परीक्षा करवाई, नीट की परीक्षा करवाई। आपने देखा कि दुनिया के छोटे छोटे देशों ने जब अपना 1 वर्ष पीछे कर दिया, तब भी हमने अपने छात्र छात्रों का 1 वर्ष खराब नहीं होने दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री का हमको लगातार प्रोत्साहन और जो मदद मिलती है, जो मार्गदर्शन मिलता है, उसी का ही परिणाम है। मैं एक बार फिर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, नवरात्रि की भी आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये भारतीय नया वर्ष नई उमंग और उल्लास के साथ और नए आयामों को, अच्छे आयामों को स्थापित करेगा, और आप अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। अपनी सुरक्षा बहुत जरूरी है, मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से 1 वर्ष में आपने लीडरशिप ली है, आप फिर उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। मेरी शुभकामना, धन्यवाद, नमस्ते।